हमास के विनाशकारी हमले के बाद अब इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसी आशंका है कि जल्द ही इजरायली सेना गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई शुरू करेगी। इसी बीच इसराइल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने का आग्रह किया है। टाली गोटलीव नाम की इजरायली सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, जेरिको मिसाइल इस रणनीतिक चेतावनी, इससे पहले कि हम अपनी सेना को तैनात करने पर विचार करें, एक प्रलय का दिन हथियार, ये मेरी राय है, भगवान हमारी सारी शक्ति बनाए रखे। गोटलीव की पोस्ट को 21 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। उनकी पोस्ट में इसराइल की जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया गया है। हालांकि इसराइल की सरकार ने अपने परमाणु शस्त्रागार की ना तो कोई पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। हालांकि गोटलीव के सोशल मीडिया पोस्ट को एक्स के नियमों के उल्लंघन के साथ ही टैग किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस पोस्ट की व्यूअरशिप सीमित रहेगी क्योंकि ये हिंसक भाषण है जो एक्स के नियमों का उल्लंघन करता है। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर जेरिको मिसाइल है क्या। दरअसल जेरिको इसराइल की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे 1960 के दशक में इसराइल ने पहली बार विकसित किया था। वर्तमान में इसके 3 वेरिएंट, जेरिको 1, जेरिको 2 और जेरिको 3 सर्विस में है। इसका नाम बाइबिल के शहर जेरिको पर रखा गया है। अधिकांश इसराइली हथियारों की तरह इस मिसाइल को भी काफी गुप्त रखा गया है। इस कारण जेरिको मिसाइल के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। जेरिको मिसाइल इसराइल की शावित और अंतरिक्ष स्पेस लॉन्च व्हीकल का एक डेरिवेटिव है। ऐसा माना जाता है कि जेरिको 1 मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तक 400 किलोमीटर विस्फोटक के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल परमाणु हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। जेरिको 2 मिसाइल 1770 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु और परंपरागत हमला कर सकती है।